Hello friends, a very warm welcome to all of you at Vaishnavi Education. आज का ये वीडियो हम जनता कर्फ्यू पे बना रहे हैं लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये जनता कर्फ्यू है क्या और क्यों ऑर्डर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और इसको हम सबको ऑब्जर्व करना है। ये जनता कर्फ्यू एक कदम है कोरोना वायरस डिजीज से लड़ने के लिए। तो आइए पहले जानते हैं कोरोना वायरस डिजीज़ क्या है, कोरोना वायरस वायरस क्या है। ये कोरोना वायरस वायरस एक तरह का ऐसा वायरस है जो कि जानवरों में पाया जाता है। जानवरों में फ्लू होता है, बुखार होता है, उसका एक प्रकार है, पर वो इंसानों में ट्रांसमिट है और अब वो इंसानों से दूसरे इंसानों में फैल रहा है और बहुत ही ज़्यादा कंटेजनियस है। वो एक दूसरे से फैल रहा है। इसका फैलने का स्रोत है हमारे ड्रॉपलेट्स, जो हमें जब छींक आती है, जब हम बात करते हैं तो जो हमारे मुँह से वाटर के ड्रॉपलेट्स आते हैं, ये उनके थ्रू फैल रहा है एज़ पर जो अभी रिसर्च इन्फॉर्मेशन है। इसके नॉर्मल सिम्टम्स क्या है? ये किसी भी बुखार की तरह होता है, जो हमें जैसे वायरल फीवर होता है, इसके बेसिक लक्षण वही हैं, जैसे फीवर होना, रनिंग नोज होना, ड्राई कफ होना, आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होना, फटीक एंड बॉडी एक। जब इसके सिवियर स्टेज आ जाती है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर होता है और निमोनिया हो जाता है। तो हमें सबसे पहले इसको रोकने के लिए, जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो इन्फेक्शन है, उसको रोकने के लिए कर्फ्यू की ज़रूरत है। जैसे कोरोना के लक्षण, छींक, सांस की तकलीफ, बुखार, सरदर्द, खांसी, किडनी का फेलियर होना। ये जो वायरस है इसकी लाइफ क्या होती है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तब हम समझ पाएंगे कि ये किस किस तरह से हमें इन्फेक्ट कर सकता है या कहाँ कहाँ से ये वायरस हम ले सकते हैं या हम किसी तरह से इसके एक्सपोजर में आ सकते हैं। तो अभी तक के रिसर्च के मुताबिक ये हवा में 3 घंटे तक रहता है। इसका मतलब यह हुआ कहीं पे अगर कोई व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है वो कि उसने छींका या किसी तरह और वाटर के ड्रॉपलेट्स वो किसी तरह उसकी खांसी में आए, तो वो उस आसपास जगहों पे 3 घंटे तक रहने की उसकी संभावना है। कॉपर सरफेस पे वो 4 घंटे रह सकता है। कार्डबोर्ड या कागज़ की सरफेसेस पे वो 24 घंटे तक वायरस जिंदा रह सकता है। इवन जब वो इंसान वहाँ से, जो इन्फेक्टेड इंसान था, वो चला गया हो, पर अगर वायरस के कण उस पर पड़े हुए हैं, स्टेनलेस स्टील पे 2 से 3 दिन रह सकता है वायरस, और प्लास्टिक की सर्फेसिस पे 3 दिन से ज़्यादा या ऑलमोस्ट 3 दिन तक। तो हमें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम इन चीज़ों को ऐसा यूज़ करें या कहीं पे भी ऐसा हमें लग रहा है जिस कोई इन्फेक्टेड आदमी यूज़ किया है, तो उसको अच्छे से वॉश करें। हमें सावधानी बरतने की क्या ज़रूरत है इसमें? दिन में कई बार हम हाथ धोएं अपना साबुन से अच्छे से, और ऐसी चीज़ों को छूने के बाद जहाँ हमें लगता है कि कोई इन्फेक्टेड आदमी हो या इन्फेक्शन हो, तो वापस से उन चीज़ों को भी धोएं। पर्याप्त मात्रा में लिक्विड पिएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। खाने में थोड़ा दही का प्रयोग कर लें, पर अगर आपको सर्दी खांसी ऐसा लग रहा है तो आप दही का प्रयोग नहीं करें, और उचित डॉक्टर की सलाह से ही आप अपने खान पान पे और खान पान की चीज़ों का सेवन करें। मोबाइल स्क्रीन पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि मोबाइल आजकल हमारे हाथ में हमेशा रहता है, तो मोबाइल को हम हमेशा डिसइंफेक्ट करें, क्योंकि अगर आपने हाथ धोया पर उसके पहले अगर वायरस आपके मोबाइल पे है, तो वापस से हाथ धोने के बाद आपके मोबाइल के थ्रू आपके हाथों में आ जाएगा। इसमें गवर्नमेंट हमें ये भी और डॉक्टर्स की ये भी सलाह है कि हम अपने आप को होम क्वारंटाइन करें, कि हम बाहर निकलना कम से कम कर दें जितनी ज़रूरत हो, ताकि हमें इन्फेक्शन या इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड चीज़ों से एक्सपोज़र कम हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं कि जब भी हमें फ्लू लग रहा हो, कोई भी बुखार लग रहा हो या ऐसे किसी भी लक्षण लग रहे हो, तो हम अपने आप को आइसोलेशन में ले लें, ताकि हम दूसरों को वो डिज़ीज़ नहीं फैलाएं। इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कल हमसे अनुरोध किया है, हम सबसे सेल्फ आइसोलेशन का। और ये जनता कर्फ्यू कल 22 तारीख को, हमारे 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक रहेगा, और आप सबसे अनुरोध है कि इसमें सहायता करें, और ये हम सब की बेनिफिट के लिए, तो हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए। इसमें नॉर्मल प्रिकॉशंस क्या लेने? अननेसेसरी ट्रैवल हमें अवॉइड कर देना है, सीनियर सिटीजन्स को इंडोर रखना है, जो भी जब तक इमरजेंसी नहीं हो हमें ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी हॉस्पिटल्स में न जाएं चेकअप के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, अगर नहीं भी हो तो। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें,
और जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले हमारे यहाँ हैं, उनकी तनख्वाह नहीं काटें, क्योंकि जो डेली वेजेस हैं वो तनख्वाह कहाँ से लाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो काम करने आएंगे और इन्फेक्शन, जो पर्पस है हमारा जनता कर्फ्यू का, वो पूरा नहीं होगा। रीज़न क्या है जनता कर्फ्यू का? रीज़न ये है कि हमें चेन ब्रेक करना है वायरस का, कि वो कंटीन्यूअस दिन नौ दिन जो वो बढ़ रहा है एक दूसरे में, वो न बढ़े। आशा करता हूँ हम सब इस जनता कर्फ्यू को ऑब्ज़र्व करेंगे और इस वायरस को बढ़ने से रोकेंगे। इट्स नॉट कर्फ्यू, इट्स केयर फॉर यू। केयर करता है तो कर्फ्यू करेंगे। आज हम ये सब प्रण करते हैं कि आज के दिन हम ये जनता कर्फ्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। शेयर विथ अस योर व्यूज एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज सो दैट पीपल बिकम अवेयर एंड ऑब्जर्व जनता कर्फ्यू। थैंक यू।